योगी और अखिलेश यादव ने ली विधायक पद की शपथ, जय श्री राम के नारे से गूंजा सदन। बंगाल विधानसभा में मारपीट, बीजेपी टीएमसी विधायक भिड़े, घायल विधायक असित मजुमदार अस्पताल ले जाए गए। भूमि हिंसा पर बोली सीएम ममता बनर्जी, कुछ लोगों की गलतियों के लिए पुलिस को न करे बदनाम। पंजाब में घर घर राशन पहुंचाएगी आप सरकार, सीएम भगवंत मान बोले हम 75 साल पुराना सिस्टम बदलने जा रहे हैं। बाबर की पीट पीट कर हत्या पर सीएम योगी ने जताया दुख, दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल से पेशी के लिए बाहुबली मुख्तार अंसारी को लखनऊ लाया जा रहा है। एम्बुलेंस और ब्रज वाहन के साथ मुख्तार अंसारी को लखनऊ लाया जा रहा है। मुख्तार को एम्बुलेंस में रखा जाएगा। एम्बुलेंस में एक फार्मासिस्ट, डॉक्टर और पुलिसकर्मी बैठे हैं। मुख्तार को फतेहपुर रायबरेली के रास्ते लखनऊ लाया जा रहा है। मुख्तार की आज लखनऊ कोर्ट में पेशी होनी है। उन पर लखनऊ के जीएमओ इलाके में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शत्रु संपत्ति हथिया कर उस पर अवैध निर्माण कराने का आरोप है। इस मामले में मुख्तार अंसारी के साथ ही उनके बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी पर भी केस दर्ज किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, ये जो पूरा मामला है, जो संपत्ति हथियाकर उस पर अवैध निर्माण का है, जिस मामले में मुख्तार अंसारी को आज लाया जा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई इस पे की जाएगी? देखिए त्रिशला, मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी को लखनऊ लाया जा चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज, कल रात में ही अचानक से ये पूरा कार्रवाई का जो मामला था ये किया गया था कि बांदा जेल से मुख्तार अंसारी को लखनऊ लाया गया अचानक से ही। उनके परिवार वालों को, उनके बेटों को इस चीज की खबर नहीं थी, लेकिन जब खबर चली तो उन लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था अब्बास अंसारी ने, कि उनके वालिद यानी मुख्तार अंसारी को बिना किसी नई जानकारी के तहत लखनऊ लाया जा रहा है। फिलहाल आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्तार अंसारी को बताया जा रहा है कि कुछ संपत्ति हथिया कर उस पर अवैध निर्माण कराने का मामला है, जिसको लेकर के आज कोर्ट में उनकी सुनवाई होनी है, और सुनवाई के बाद क्या होता है क्या नहीं होता ये देखना अहम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका। उत्तर प्रदेश चुनाव में राजनीतिक बयानबाजी की तल्खियां खत्म हो चुकी हैं और अब नेता विधानसभा चुनाव के लिए एक दूसरे से मुस्कुराते हुए मिलते दिख रहे हैं। नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इस दौरान सीएम योगी ने अखिलेश के कंधे पर हाथ भी रखा। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। सबसे पहले सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। उन्हें प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने शपथ दिलाई। खबर बस्ती से, जो एनएच 28 पर सरस्वती पेट्रोल पंप के पास ट्रैवलर के शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग गई। वहीं पुरानी बस्ती के थाना अध्यक्ष आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रैवलर गोरखपुर से लखनऊ जा रही थी और उसमें लगभग 15 लोग सवार थे और सभी लोग सुरक्षित हैं। समय पर फायर ब्रिगेड के पहुंचने से एक बड़ी घटना होने से बच गई। खबर कुशीनगर जिले के रामकोला से है, जहां के गोविंद मैरिज हॉल में भाजपा से एमएलसी पद के प्रत्याशी और गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे डॉक्टर रतनपाल सिंह का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर रतनपाल सिंह ने ब्लॉक क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश व प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। इस दौरान सांसद, विधायक, ब्लॉक क्षेत्र के जिला क्षेत्र पंचायत के सदस्यों सहित पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की हो प्रदेश की हो, आज तक जितना काम जनहित का हमारी सरकार ने किया है उतना पिछला किसी सरकार ने नहीं किया। गरीब की बात हो, मध्यम वर्ग की बात हो, हमारी सरकार बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका के विकास, सबका साथ और विकास के आधार पर काम की है। खबर श्रावस्ती से है, जहां स्कूल में गंदगी का विरोध करना स्कूली बच्चों को भारी पड़ गया। जब शौचालय में गंदगी और स्कूल में पानी का होने ना होने पर स्कूली बच्चों ने विरोध किया तो गुस्से में पहुंचे हेडमास्टर नागेंद्र श्रीवास्तव ने स्कूल से बच्चों को भगा दिया। और बता दें, ये सारा मामला लखाही बेनी नगर के उच्च प्राथमिक विद्यालय का है। सर, हम लोगों ने उनकी शिकायत बताई थी, इसलिए हम लोगों को ये कहा कि आप लोग जब शिकायत आपने बताया है तो अब जाओ स्कूल से। स्कूल से भगा दिए, किसने भगाया है? श्रीवास्तव, नरेंद्र श्रीवास्तव हेडमास्टर जी। क्या कहा उन्होंने? कहा कि जब शिकायत हमारी हम लोगों को करते हैं तो अब स्कूल नहीं पढ़ो, जब पढ़ाते ही नहीं है तो अब जाओ। सर, मैं बताया शौचालय में है, पानी नहीं है, टोटी नहीं है, तो कहीं बोलो। किसने आपको भगाया है और किस संबंध में भगाया है? नाम बताइए मास्टर। श्रीवास्तव नारायण कुमार, उन्होंने भगाया है। यस। खबर औरैया से है, जहां जिले के कस्बा बिथुना में आयोजित होली मिलन समारोह के कार्यक्रम के दौरान भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भले ही रिया शाह के चुनाव हार गई, लेकिन पार्टी के लिए बिथुना की विधायक तो है ही, और जो भी विकास कार्य होगा वो रिया शाह के ही कराएंगी। खबर फरीदाबाद से, जहां कोरोना काल के बाद फिर से रैली का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद हरियाणा में प्रगति रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी पहली प्रगति रैली की। इस मौके पर मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए सैकड़ों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और सभी ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक राजेश नागर और भाजपा के जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा के साथ अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। खबर अलीगढ़ के थाना अकबराबाद क्षेत्र के कस्बा कोडियागंज में घर पर काम कर रही महिला के पास बम गिर गया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं इस पूरे मामले के बाद पीड़ित महिला के पति ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसकी सूचना मिलने के बावजूद भी काफी देर तक पुलिस नहीं पहुंची। अलीगढ़ के जोवा थाना इलाके के बाईपास पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सामने से आ रही तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हुई महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर तो कब्जे में ले लिया, लेकिन आरोपी चालक को मौके से फरार हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लॉज की दीवारों पर किसी छात्र गुट ने विवादित स्लोगन लिखे हैं, जिनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एएमयू में हड़कंप मच गया। वीसी लॉज की दीवारों पर लिखा गया है कि कैनेडी हॉल में प्रोग्राम क्लासरूम में कोरोना वीसी वेकअप। छात्रों ने इस पर कहा है कि एमयू कैंपस में प्रोग्राम चल रहे हैं, क्लासरूम में कोरोना बैठा है, कैंपस में क्लासरूम चालू कराने के लिए ये स्लोगन लिखे गए हैं। हालांकि इसकी जानकारी जैसे ही एएमयू इंतजामिया को हुई तो आनन फानन में सड़कों व दीवारों पर सफेद पेंट कराया गया। ये बताइए, क्या नाम है आपका और किस तरह के स्लोगन्स लिखे गए हैं? देखिए, मेरा नाम अबू दिलवर सिद्दीकी है। देखिए, कुछ स्लोगन्स वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, जिसपे कुछ लिखा हुआ है कि एमयू वाइस चांसलर गॉट एक्सटेंशंस और व्हाट स्टूडेंट गॉट योर वेक अप वीसी, ये सब तमाम लिखा हुआ था। कैनेडी में इवेंट्स हो सकते हैं मगर क्लासरूम में कोरोना, तो ये तमाम चीज़ तस्वीर वायरल हुआ है जो दीवार पर लिखा हुआ था। अब किन्होंने किया, किसने किया ये तो पता नहीं है, लेकिन ये तमाम तस्वीर वायरल हुआ, जिसको लेकर बच्चों का यही है कि जो
इवेंट्स हो रहा है, तमाम कल्चर तमाम चीज़ हो चीज़ प्रोग्राम हो रही है, मगर क्लासरूम नहीं खोल रहा है, उसी को लेके कुछ ये तस्वीर वायरल हुआ, कुछ नारा लिखा गया है। स्लोगन लिखे गए, किस तरीके के स्लोगन है और वो कौन सी दीवार है जिस पर लिखे गए? स्लोगन जो लिखे गए थे, ये जो पीछे की दीवार दिख रही है आपको कैमरे में नज़र आ रही होगी, यही दीवार है, ये वाइस चांसलर लॉज की दीवार है। उसमें साफ लफ्ज़ों में लिखा गया था कि कोरोना काल बताया जा रहा है, लेकिन कनेडी हॉल खुला हुआ है, यानी वहाँ पर तमाम तरीके के इवेंट्स हो रहे हैं, यहाँ तक कि तमाम से मुराद यानी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, आज के डेट में कोई फिल्म है मुझे मालूम नहीं कौन सी है, लेकिन हमारे क्लासरूम बंद हुए हैं, यानी सिर्फ एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर में जो 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लासरूम ओपन किया गया, और पीएचडी वालों के लिए अपने रिसर्च के लिए, लेकिन आमतौर से बीए के स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई से इनको कोई लेना देना नहीं है, और वाइस चांसलर का अपना एक्सटेंशन हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। सर, एमए छात्रों द्वारा कोई स्लोगन है, उस पर क्या है सर मामला? हाँ, ये अभी ये जो पिछली रात गुजरी, इससे पीछे की रात में यूनिवर्सिटी के जो विशेष लाज है उसके दीवार पे कुछ रात में कुछ लोगों ने उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है कि किसने ये लिखा है, कुछ स्लोगन लिख दिया है। बेसिकली वो स्लोगन ज़्यादातर जो स्लोगन है उसमें लिखा हुआ है वो क्लास खोलने के यानी ऑफलाइन खोलने के लिए है। उन्होंने लिखा है कि साहब क्लासरूम में कोरोना और कैनेडी हॉल में प्रोग्राम, यानी कुछ कोई प्रोग्राम शायद कैनेडी हॉल वगैरह में शेड्यूल है, तो उसको लोग लेकर के लड़कों ने कुछ अपना कंसर्न जाहिर किया है कि हमारी ऑफलाइन क्लासेज नहीं हो रही हैं और कैनेडी हॉल में प्रोग्राम। औरैया के एरवा कटरा में बाइक से 13वीं संस्कार में जा रहा युवक जैसे ही एरवा कटरा बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज के पास पहुंचा, अचानक सामने से आ गई जानवर को बचाने के टक्कर में उसकी बाइक एक अल्टो कार में जा टकराई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल युवक को सीएससी एरवा कटरा भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने युवक को प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे डॉक्टरों ने सफही मिनी पीजीआई रेफर कर दिया। वहीं थाना एरवा कटरा उप निरीक्षक मुकेश कुमार ने तुरंत मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस का भी इंतजार नहीं किया, उन्होंने अपने ही वाहन से तुरंत घायल को सीएससी एरवा कटरा भर्ती कराया, जिससे उसकी जान बच गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।